बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इंसान में ये सब कुछ कहने की हिम्मत नहीं आती अगर उसको हिम्मत दिलाई नहीं जाती। तो मैं छोटी जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। मुझे भी दिख रहा है मेरी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है, और मुझे पता है आपको भी दिखता है। उनकी लालच की कोई हद नहीं है आपकी। इससे पहले ये मामला और बिगड़े आप यहां से चली जाए। हेलो, मेरा पैगाम तो तुम तक पहुंच ही गया होगा। जिसे आप पैगाम कह रहे हैं उसे आम जबान में धमकी कहा जाता है सिकंदर साहब, और धमकियों का मुझ पर असर होता नहीं है। वैसे आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। और तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ। क्या औकात क्या है तुम्हारी उस घर में? क्या हैसियत है? पता है तुम्हारी हैसियत उस घर में उसी दिन समझ गया था मैं जिस दिन सीमा ने तुम्हें अपनी नहीं बल्कि आर्य साहब की बेटी बताया था। पता है तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो उस पिंजरे से निकलने के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती। और एक तुम हो। वैसे पिंजरा तो आपने भी मेरे लिए तैयार कर रखा, फर्क सिर्फ इतना है कि उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मेरे घर वालों को परेशान करना बंद कर दें। आपके पैसे आपको कुछ दिन में मिल जाएंगे। लगता है पिछली बार का थप्पड़ आप भूल गए हैं। दुआ करें कि इस बार मैं आपको कहीं मिल ना जाऊं, क्योंकि इस बार जो थप्पड़ आपके हिस्से में आएगा वो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। याद तो तुम्हें रहेगा रीच, वादा करता हूं मैं। अब तुम बस दुआ करो कि तुम्हारी शादी मुझसे ना हो, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो ना ही भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। तुम्हें अपनी बदतमीजियों की कीमत किस सूरत में अदा करनी पड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकती अरीज। क्योंकि मैं उनमें से हूं जो ना ही भूलते हैं